अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो इज ऑल अबाउट चुन्नी और चुन्नी के डिजाइंस। ठीक है जी, इसमें मैं आप लोग को डिफरेंट डिजाइंस दिखाऊंगी जो कि मेरे अपने पर्सनल दुपट्टे होंगे। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, हम ब्लैक और व्हाइट दुपट्टे को बहुत हल्का ले लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, इस वक्त मैंने व्हाइट दुपट्टा लिया हुआ है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, मैं भी पहले यही करती थी, व्हाइट दुपट्टा लिया, शिफोन का नीचे फुंदने लगा लिए जिनको टसल्स कहते हैं, और वो लगा लिए। हम कहते हैं जी व्हाइट दुपट्टा और ब्लैक दुपट्टे पे यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, वो ना पुराना हो गया थोड़ा सा। अब जी हम लोग ने अच्छा सा व्हाइट दुपट्टा अपना बनाना है ताकि एक व्हाइट हो और एक ब्लैक हो, और सच जाए जिस मर्जी कुर्ते के साथ पहने। से मैंने कुर्ता लिया था और अब मैंने व्हाइट दुपट्टा इस तरह ले लिया, देखे जी कितना अच्छा लग रहा है। अगर टसल्स और वो फुंदने छुंदने लगे होते उसके ऊपर, वो इतनी अच्छी ग्रेस नहीं आती। ठीक है जी, बारी बारी मैं दुपट्टे दिखाऊंगी, ऑलमोस्ट 10 दुपट्टे। चले जी दुपट्टे नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हाँ जी जनाब, पहले जी आप इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके पल्लू का, लेस लगी हुई फ्रिल वाली, फिर मोतियों वाला। आप लोगों ने दुपट्टे का कपड़ा ही ले लेना, मोती खुद नहीं लगाने, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एक लेस लगी हुई है और छोटी, और उसके बाद लगी हुई है थोड़ा सा साइड से कपड़ा छोड़ के, और ये जी लेस लगी हुई है। ठीक है जी, जो मेरे दुपट्टे होते हैं इतने लंबे होते हैं, जब मैं गले के साथ लगा लेती हूँ ना, दोनों साइड से थोड़े थोड़े ज़मीन से ऊपर होते हैं। मुझे थोड़ा सा दुपट्टा ना लंबा पसंद होता है, उससे ज़्यादा ग्रेस आती है। जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, घुटनों घुटनों तक दुपट्टे आते हैं गले में लेके, वो मुझे ना थोड़े से इनकम्प्लीट सी लुक आती है। ठीक है जी, जो लोग पूछ रहे थे कि आपके दुपट्टे का साइज़ कितना होता है, लेंथ कितनी होती है, बस सबके अपने लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। आप लोग गले में दुपट्टा डालो और ज़मीन से एक एक हाथ ऊपर। हाँ जी, अब आपने व्हाइट दुपट्टे की सारी डिटेल्स देख ली हैं जो मैंने लिया हुआ है, अब आती है ब्लैक दुपट्टे की बारी। ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, चले जी इसकी डिटेल्स देखते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है इस काले दुपट्टे की। काला दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा लगता है, थोड़ी सी मेहनत है बनाने में। अगर एक दफ़ा बना लोगे और थोड़े से पैसे खर्च कर लोगे ना, बाद में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको सब कुर्तों के साथ पहनने के लिए, बहुत स्टाइलिश लगता है ये। सबसे पहले जी एक सबसे पतली लेस लगी हुई है, उठ जा ये, ठीक है जी, सबसे बारीक लेस, उसके बाद उससे मोटी लेस, उसके बाद उससे मोटी लेस। आप लोग ये दरमियान वाली लेस स्किप कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ ये और ये लगवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी 5 इसके ऊपर पैचेस अप्लाई किए हुए हैं, जिस तरह के मेरा ये पैच बच गया था एक शर्ट के ऊपर से, ये ज़्यादा हो रहा था। अब मैंने क्या करना है, इसका ब्लू दुपट्टा बनवाना है। 5 पैच, 1 पैच, 2 पैच, 3 पैच, 4, 5, ये कट करके मैंने इस तरह का ब्लू दुपट्टा सेम टू सेम बनवाना है बाकी लेसेस वगैरह लेके। आप लोग भी कोई शर्ट का पैच हो एक्स्ट्रा, कोई यम्मी का पैच हो, कोई किसी बड़े का पैच हो जो पैच यूज़ ना करता हो, आप लोग दुपट्टों पे पैचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं पैचेस के साथ दुपट्टे। ठीक है जी, अब ये ब्लू दुपट्टा मेरा बन जाएगा और ब्लू कुर्तों के साथ मैं सबके साथ पहन सकूँगी वो। उसके बाद जी ये पैचेस की समझ लग गई आपको, ये ऑल अराउंड लेस है, ठीक है, और उस साइड पे भी पैचेस हैं और लेस लगी हुई है। एक दफ़ा मैं दोबारा आप लोग को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये जी आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें, रुके जी, रुके 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 रुके, इस तरह लें आप, इस तरह ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है। पतली लेस, उससे मोटी लेस, उससे मोटी लेस, फिर ये पैचेस अप्लाई करवा लें। ठीक है जी, अगर आप लोग पैचेस कोई भी नहीं है तो दुकान पे आप लोग जाएंगे ना, ये आप लोग को मेरे ख्याल है 20-20 रुपीस के पैचेस मिल जाएंगे उनको, बिल्कुल सादे कढ़ाई वाले हमें पैचेस दिखा दो। हाँ जी, अब बारी आती है दुपट्टा नंबर 3 की। दुपट्टा नंबर 3 जो आप लोग का कोई प्रिंटेड कपड़ा होता है ना, मतलब इस तरह का प्रिंटेड दुपट्टा होता है, उसके ऊपर मैं इस तरह के टसल्स लगा देती हूँ। ठीक है जी, अब आप लोग इसकी डिटेल्स देखते हो आप लोग को समझ लग जाएगी। है इस दुपट्टे की बारी, जिस दुपट्टे के ऊपर ज़्यादा होता है ना प्रिंटेड और ज़्यादा भरा भरा सा होता है, मैं क्या करती हूँ सिंपल टसल्स लगवा लेती हूँ और एक मोती के साथ, ताकि मोती के साथ प्रोमिनेंट ज़्यादा हो जाए। ठीक है जी, अब देखिए जी मोती के साथ प्रोमिनेंट ज़्यादा हो रहा है दुपट्टा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ने इस तरह आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आप लोग भाई को दिखा सकें कि भाई जान इदा के टसल ला दो। मैं आप लोग को टोटल गिन के भी दिखा देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगे हुए हैं एक साइड पे, टोटल हो गए 20 टसल्स, 10 इधर और 10 उथे। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जी फटाफट फटाफट, कुछ ना दुपट्टे पे कर लिया करें, कुछ ना कुछ इसके पलुओं पे ना, मतलब कुछ ना कुछ लगा दिया करें, जो चीज़ हाथ में आए, मतलब सादे दुपट्टे पता नहीं क्यों मुझे ना इनकम्प्लीट से लगते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, अब आती है दुपट्टे नंबर 4 की बारी। ये देखिए जी, ये भी प्रिंटेड दुपट्टा था, ये लेस ली है, ये लेस बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे वेलवेट की एक छोटी सी पट्टी लगाई, चले जी आप लोग इसकी डिटेल्स देखें। बात ये सूट की बारी, देखें जी ये प्रिंटेड सारा दुपट्टा है, इसके ऊपर मैंने बिल्कुल
प्लेन लगवाया ये वाली लेस, ठीक है जी। प्लेन लगाने का मकसद ये, जब मैं सूट पहनूँ ना, सिर्फ नज़र सबकी इसी पे बढ़े। अच्छा जी, ये वाली लेस बनी बनाई मिल जाती है, आप लोगों ने बनवानी नहीं है, इतनी मेहनत नहीं करनी, ये बनी बनाई आपको लेस मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद जब आपने ऊपर वाली ये वाली लेस लेनी है, आप लोगों ने भाई को क्या कहना है, हमें जी फीता चाहिए वेलवेट का, तो ये वाली आपको लेस वो निकाल के दे देंगे, ठीक है जी, जिस कलर में भी आप लोग को चाहिए होगा। अब जी ये देखें जी, दोनों पल्लुओं पर मैंने ये सेम करवाया है, बाकी कुछ भी नहीं करवाया, बाकी ये पाइप, ये पीको करवाइए, सिंपल पीको करवाइए, ठीक है जी। पीको करवाने से क्या होता है, दुपट्टा थोड़ा सा गफ हो जाता है और ना लिया हुआ थोड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है। सिर्फ पल्लुओं पे ये और बाकी पीको प्लेन, ठीक है जी। हाँ जी, अब बारी आती है, फंस गया मेरा दुपट्टा, अब बारी आती है दुपट्टा नंबर 5 की। ये जी सिर्फ बॉल्स लगाई हुई है सिंपल, आपने कहना है पाईजान क्रोशिया की ना बॉल्स लगा दें एक एक गैप के साथ, ये टोटल एक पल्लू पे लगी हुई है। चलें जिसकी डिटेल्स देखते हैं फिर आपको पता चलेगा। अब आती है इस दुपट्टे की बारी, ये भी तकरीबन मेरे 2 साल से ऊपर का दुपट्टा है, ठीक है जी, इसकी उम्र माशाल्लाह से 2 साल से ऊपर है और ये भी मेरे पास बिल्कुल सही सलामत अभी पड़ा है और ये बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोगों ने क्या कहना है, आप लोगों ने कहना है भाईजान हमें ना सिंपल पीको कर दें दुपट्टे के इर्द गिर्द और क्रोशिए की बॉल्स लगा दें, आठ आठ, आठ एक पल्लू पे, आठ एक पल्लू पे हो गई 20, ठीक है जी। आप लोगों ने क्या कहना है, करना है कि इसको भी आप लोगों ने हाथ से धोना है और हल्का सा पानी में करो, क्योंकि दुपट्टे तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं ना होते, तो हाथ से धोने पड़ते हैं, वो मशीन में डालेंगे तो लीर हो जाएगा दुपट्टा, ठीक है जी। अब बारी आती है दुपट्टा नंबर 6 की, इसके ऊपर भी इसी तरह ही बॉल्स लगी हुई है और साथ क्रोशिए की ही नीचे टसल लगा हुआ है, ठीक है जी। अब इसकी आप लोग डिटेल्स देख लें। हाँ जी, अब इस दुपट्टे की बारी आती है, ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। जब मैंने इंस्टाग्राम पे पहन के पिक्चर लगाई थी तो आप सब पूछ रहे थे कि दुपट्टे को क्लोज से दिखाएं, तो मैं दिखा नहीं रही थी, मैंने कहा था वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। ये तकरीबन मेरा 2 साल पुराना दुपट्टा है, अब तो थोड़ा सा ख़राब भी हो गए, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा फटा हुआ है, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा कम्बिनेशन के साथ आप लोग करवा लें। ये जी आप लोगों ने कहना है हमें चाहिए क्रोशिए के धागे की बॉल्स और क्रोशिए के धागे के ही साथ टसल्स चाहिए, ठीक है जी। आप लोगों ने वो रेशमी धागे के टसल्स नहीं बनाने, वो अच्छे नहीं लगेंगे, आप लोगों ने क्रोशिए का धागा बनाना है। मैं आप लोगों को एक हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ ताकि आप लोग करीब से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। ऊपर इसकी कॉली है और कॉली ही कहना है आप लोगों ने उनको ना फिर सही समझ लग जाती है, उनको कहना है कॉली के साथ आपने बॉल बनानी है, बॉल के नीचे आप लोगों ने टसल अटैच करना है, ठीक है जी। एक और आप लोग को पकड़ के दिखाती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आसानी से आप लोग ले लें। ये जी स्क्रीनशॉट है, आप लोगों ने बेबी पीको करवा देनी है दुपट्टे के इर्द गिर्द सारी और ये टसल्स लगवा देने हैं साथ साथ या आठ आठ, ठीक है जी। और इन दुपट्टों को भी आप लोगों ने हाथ से धोना है। हाँ जी, अब बारी आती है दुपट्टा नंबर 7 की। ये देखें जी, इसकी लेंथ पे मैंने बेबी पीको करवाई हुई है और यहाँ पे मैंने इस तरह की लेस लगाई है। चलिए जिसकी भी डिटेल वीडियो देख लेते हैं। हाँ जी, अब आती है इस दुपट्टे की बारी। देखें जी, ये भी दुपट्टा प्लेन था, उसके बाद मैंने जो इसका सबसे प्रोमिनेंट कलर था ना वो यहाँ पे लगा दिया लाइटेस्ट में। अगर मैं थोड़ा सा डार्क पर्पल लगा देती तो इतना प्रोमिनेंट ना होता। अब देखें जी, वो वाला पर्पल और इस वाले पर्पल में ये वाला ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है जी। ये भी आपको बनी बनाई फ्रिल मिल जाएगी। आप लोगों ने क्या कहना है, हमें दुपट्टे की फ्रिल चाहिए, जिस कलर में भी चाहिए होगी वो भाई आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है जी। दुपट्टे की फ्रिल ये जी दोनों साइड्स पे करवाए दुपट्टे के पल्लुओं पे, बाकी जी पीको करवाइए। कितने आप पीको भाई, ये एक सेकेंड, ये जी पीको है बाकी पर्पल कलर की, ठीक है जी। आप लोग इस तरह स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि ये वाला हमें चाहिए। अब बारी आती है दुपट्टा नंबर 8 की, इसके ऑल अराउंड इन शॉर्ट तोड़ो तोड़ जी, ये मैंने जी सिल्क का कपड़ा लेके सारे दुपट्टे पे इर्द गिर्द सारे लगवा लिए, ठीक है जी। अब इसकी डिटेल वीडियो देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब आती है इस दुपट्टे की बारी। जब आप लोग का 3 पीस सूट हो, ठीक है जी, ये मेरा 3 पीस सूट है सफायर का और थोड़ा ग्रेसफुल सा सूट है, लाइट कलर है, हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी है, किसी के घर आने जाने वाला, बहुत आप लोग डेलीकेट सा मतलब के एलिगेंट लगना चाहते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, रॉ सिल्क की जी पाइपिंग करवा देनी है दुपट्टों के तोड़ो तोड़, ठीक है जी। ये दुपट्टे की फ्रंट साइड है, इस तरह नजर आएगी, ठीक है जी। बैक से दुपट्टा इस तरह नजर आएगा, आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट ले ताकि आप लोगों ने दिखाना हो तो। बैक से इस तरह पाइपिंग करवानी है, आप लोगों ने मशीन नहीं फिरवानी, ठीक है जी। मशीन अच्छी नहीं लगती, पाइपिंग के साथ ग्रेस आती है, ठीक है जी। सारे दुपट्टे के इर्द गिर्द यही है, ठीक है जी। सामने से ये कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का,
ठीक है जी। और बैक से कुछ ये इस तरह का दिखेगा, पूरे दुपट्टे के इर्द गिर्द, ये देखे जी पूरे दुपट्टे के इर्द गिर्द। ये दर्जी ना 500 ले लेता है इस दुपट्टे के इर्द गिर्द इस तरह पाइपिंग लगाने का, ठीक है जी। अब आती है जी अगले दुपट्टे की बारी, ये देखिए जी क्रोशिया की लेस, ये इस तरह मैंने दुपट्टे पे लगाई, एक ये लगवाई है और एक लगवाई है ये देखिए। अब हमने क्रोशिया की लेस किस तरह चूज करनी है, क्रोशिया की लेस इस तरह चूज करनी है दुपट्टे में जो कलर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा उसकी इस तरह की क्रोशिया की लेस ले लेनी है। ये जी मुझे कलर्ड में ही मिल गई थी, कलर्ड में मिल जाती है, ढूंढनी पड़ती है, कलर्ड में फिर भी ना मिले तो डाई कराने का फायदा नहीं, डाई मत कराइएगा, कलर बहुत ज्यादा फटाफट उतर जाता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है रंगी रंगाई लेस ले ली, ठीक है जी। ये भी मैंने इसी तरह ही ली थी और ये भी, चले जब इसकी डिटेल वीडियो देखिए जरा पास से दिखा देती हूँ आपको। अब बारी आती है जी इस प्रिंटेड दुपट्टे की। अब देखें जी इसके साथ मैंने क्या किया है, इधर सबसे कम जो कलर था ना वो था मैरून, ठीक है जी। अब मेरी शर्ट के अंदर मैरून थोड़ा सा ज्यादा था और मैंने लेस मैरून लगाई हुई थी तो मैंने दुपट्टे को मैरून के साथ प्रोमिनेंट कर दिया। मैरून के साथ इस तरह की चौड़ी लेस लगवाई है दोनों पल्लुओं पर, वो एक आपको पल्लू नजर आ रहा है ठीक है जी, और एक ये पल्लू है। ये जी मैं आपको करीब से थोड़ी लेस दिखाती हूँ ताकि आप लोग अगर लेने जाएं तो इस तरह की लेस का बता सकें। ये देखें जी इस तरह आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा दूर जाती हूँ इस तरह भी आप लोग ले सकते हैं। चलो हम भास्कर जाओ ठीक है जी। ये जी लेस है, अब दूसरे दुपट्टे की तरफ चलते हैं जो इसी तरह का है। दुपट्टे पे जी जो ये वाली लेस लगी हुई है देखें जी फ्लावर्स को, और इन फ्लावर्स को मैंने मैच किया था अपनी तरफ से तो ठीक है जी। ये पिंक फ्लावर्स शर्ट पर भी थे और मैंने इस तरह की पिंक फ्लावर्स वाली लेस ले ली। पहले जी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ये जो दुपट्टे की लेसेस होती है ना वो आप लोगों ने इस तरह वाली दुपट्टे के ऊपर रख के लगानी होती है, आप लोगों ने दुपट्टे के नीचे रख के नहीं लगानी होती। जो रेड वाली लेस थी वो भी ऊपर रख के लगाई थी, ऊपर रखने का मतलब है जी इस तरह, ये देखें ये इसका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है ठीक है जी। अगर नीचे होता तो ये चीज़ नीचे चली जाती, हमने दुपट्टे के ऊपर लेस रखनी है और फिर उसकी सिलाई मरवानी है ठीक है जी। ये लेस थी 240 रुपीज़ की दोनों पल्लुओं की, और वो वाली ब्लू रेड लेस थी 220 रुपीज़ की दोनों पल्लुओं की, और ये 60 रुपीज़ लगवाई थी जो लगवाई वाले बैठे होते हैं ना बाजार में उनसे ठीक है जी। अब आती है अगले दुपट्टे की बारी, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल लाइट सा कलर है। लाइट कलर्स पे जिस तरह बेबी पिंक हो गया, स्काई ग्रीन हो गया, और हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया, पीच हो गया, तो उस पर क्या लगता है बिल्कुल पतली सी लेस चारों साइड्स पे अच्छी लगती है। जैसे कि ये ब्लू दुपट्टा है ठीक है जी, इसके साइड से मैंने ये सारी लेस लगी हुई है सारी, ये वाली बेशक इससे पतली हो जाए और जो मोतियों वाली लेस होती है ना वो इस पे ज्यादा अच्छी लगती। अगर मोतियों ये लेस ले सकते हैं बिल्कुल बारीक वाली मोतियों वाली, वो इर्द गिर्द लगा लें कमाल लगे। चले जी इसकी डिटेल वीडियो देख लेते हैं। हाँ जी, अब आती है जी इस दुपट्टे की बारी। इस दुपट्टे को बिल्कुल प्लेन रखा गया क्योंकि इसकी शर्ट थी फैंसी। उसके बाद जी इस दुपट्टे पे इस तरह की ऑल अराउंड लेस लगवाई गई है, ऑल अराउंड नजर आ रही है ना दुपट्टे के अंदर से। अच्छा जी, एक और दुपट्टा मैंने बनवाया था शॉकिंग पिंक कलर का था, और उसके ऊपर वाइट मोतियों वाली बारीक लेस लगवाई थी सारे इसके इर्द गिर्द। इतना कोई प्यारा वो दुपट्टा लग रहा था, लेकिन अब मेरे पास नहीं है, मेरी बहन के पास है। आप लोगों ने अगर वो भी बनवाना हुआ ना तो वो बहुत अच्छा लगता है, शॉकिंग पिंक दुपट्टा और पर्ल्स वाली लेस। आपने कहना पर्ल्स वाली लेस से दें, और अगर इस ब्लू के ऊपर भी पर्ल्स वाली लेस लगी होती है वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं सजेस्ट करूँगी इसके बजाय आप लोग कहेंगे हमें बारीक मोतियों वाली पर्ल्स वाली लेस दिखा दें, तो वो इर्द गिर्द लगा लें, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी ठीक है जी। बाकी जिसने इसका स्क्रीन शॉट लेना है वो ये ले लें। हाँ जी, अब आती है थोड़े से फैंसी दुपट्टे की बारी। जिस तरह हमने कुछ ईद पे पहनना है या कोई आने जाने के लिए दुपट्टा है तो हमने क्या करना है, जो इसकी पाइपिंग है वो जामावार की करवानी है। ये देखें जी, जामावार का आप लोग कपड़ा भी खरीद सकते हैं, और ये जामावार की आप लोग को पाइपिंग वैसे भी बाजार से मिल जाती है। ये मैंने कपड़ा नहीं खरीदा, जामावार की पाइपिंग ही ले ली है, और ये आसान हो जाता है पाइपिंग लगाने वक्त ना ठीक है जी। जामावार की पाइपिंग है और ये जी एक टसल लगाया हुआ है। अब इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए। हाँ जी, अब बारी आती है जी इस दुपट्टे की। इस दुपट्टे को जी मैंने थोड़ा सा आगानूर का कुर्ता था ये, उसके साथ प्लेन दुपट्टे अच्छे लगते हैं ठीक है। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा फैंसी करना था तो मैंने जी ये जामावार की पाइपिंग ली, उसके बाद जी ये टसल लिए, 240 के थे टसल्स, मैंने कंसेशन करा 140 के लिए आप लोग ने मेरी कंसेशन करा के 140 का एक टसल्स, 140 का एक टसल, और टोटल मैंने सिर्फ चार टसल लगाए चारों कोनों के ऊपर, और जामावार की पाइपिंग करवा ली और सूट सज गया ठीक है जी। ये जी सारी जामावार की पाइपिंग ऑल अराउंड है, तोड़ो तोड़ है, और जिनको तोड़ तोड़ का मतलब समझ नहीं लग रहा था इसका मतलब है ऑल अराउंड ठीक है जी।
और ये जी टसल्स है। हाँ जी, अब बारी आती है लास्ट दुपट्टे की। लास्ट दुपट्टा कुछ इस तरह का रंगीन सा है, ये शनायर का है, मैंने खुद नहीं बनाया था, ठीक है जी। ये किस तरह अच्छा लगता है, आप इन दुपट्टों को किन के साथ लेते हैं? ये अगर आपका पूरा ग्रीन सूट हो ये चलेगा दुपट्टा, पूरा मस्टर्ड सूट हो ये चलेगा दुपट्टा, पूरा ब्लू सूट हो चलेगा दुपट्टा, नीचे जी पूरा पिंक सूट हो चलेगा दुपट्टा, गोल्डन सूट हो चलेगा दुपट्टा। ये दुपट्टा ना हर किसी के साथ फिट हो जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप लोग बना लेंगे तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। चले जी इसकी डिटेल वीडियो देखते हैं। गया देखिए। हाँ जी, अब आती है इस लास्ट दुपट्टे की बारी। सबसे पहले जी आप लोग इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सारे कलर्स प्रोमिनेंट नजर आ जाएं। सबसे पहले जी शॉकिंग पिंक है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद येलो है, उसके बाद ब्लू है। आप लोग कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, सेल्फ प्रिंट का ले सकते हैं, ब्लॉक प्रिंट का ले सकते हैं, इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट हुई हुई है। अच्छा जी, अब इस लेस की बात करते हैं। आप लोगों ने भाईजान को कहना है भाईजान हमें ना चौड़ी पट्टी दिखा दे चमकीली, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे बोले ना कि आप लोग को ये एग्जैक्ट मिल जाएगी, बाकी उनको समझ नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये वाली अगर लेस चाहिए तो आपने उनको कहना है कि हमें गोटे की लेस दिखा दे गोल्डन कलर की, तो वो आपको बारीक गोटे की लेस ये वाली दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन गोटे की लेस का आप लोगों ने ध्यान रखना दो तरह की होती है, एक बहुत कागजी होती है और एक थोड़ी कपड़े टाइप की होती है। आप कहना कपड़े टाइप की गोटे की लेस दिखा दे, ठीक है जी। इनमें दो फर्क होता है, जो कागजी होती है ना बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अब जी ये दुपट्टा है, आप लोग अपनी तरफ से कम्बिनेशन चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जिस मर्जी सदाबहार दुपट्टा, जिस मर्जी नाल पालो, जिस मर्जी नाल पालो जी, जिस मर्जी नाल पालो, ठीक है जी। हाँ जी, अब बारी आती है इस नेट के दुपट्टे की। ये एक दुपट्टा रह गया था, मैंने कहा इस बेचारे था कि सूर्य ने भी खा दें दिया, ताकि जिन लोगों का नेट के दुपट्टे हैं उनको आइडियाज मिल जाए। अच्छा जी, नेट का दुपट्टा अगर होता है उसके इर्द गिर्द हमें पाइपिंग या कोई चौड़ी लैस या कोई चौड़ा कपड़ा लगाना ही पड़ता है चारों साइड्स पे, क्योंकि उसको हमने कंप्लीट लुक देनी होती है, वरना सी थ्रू होता है, नंगा नंगा सा फील होता है, ठीक है जी। हम लोग ने जो भी चीज़ लगानी है उसके ऊपर रख के लगानी है, नेट के हमने यहाँ रख के कपड़ा नहीं लगाना, यहाँ रख के लैस नहीं लगानी, नेट के ऊपर रख के लैस लगानी है। इस तरह की लैस लेनी है, नेट के ऊपर रख के कपड़ा लगाना है, ठीक है जी। ये जी आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट लें, ये जी नेट के ऊपर रख के इस तरह सिलाइयों के साथ कपड़ा लगाया गया ले लिया। उसके बाद जी ये है उल्टी साइड इसकी, ठीक है जी। अब दोनों साइड्स की लेनी है तो आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें। ये जी हमें दुपट्टा डिज़ाइनिंग वीडियो देखें जी। अब ये सारा मैं खिलारा समेटूंगी, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। अब जी बस मैं किचन में जा रही हूँ, पराठे शराठे बनाने सबके लिए, पराठे अंडा और चाय, और अब्बू के लिए लस्सी, मेरे लिए चाय, ठीक है जी। हाँ जी, अब आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है। दुपट्टे की डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपकी पर्सनैलिटी में ना बहुत अच्छापन और कम्प्लीटपन आ जाता है, ठीक है जी। अगर वाइट दुपट्टा सिंपल सा ले लेते इतना ग्रेस नहीं आती जितनी की इस दुपट्टे की ग्रेस आ रही है। चले जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। स्क्रीनशॉट ले लेकर उसे अपनी गैलरी पर ले होनी है। ओके जी, आऊंगी अपनी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।